अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सारा डाइस किचन व्लॉग से। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मुरमुरे मुरमुरे और पालक के पकोड़े, यानी कि बॉल्स उसके। तो चलिए फिर, बारिश का सीजन चल रहा है और आप लोग भी पकौड़े बना रहे होंगे, तो नए नए तरीके से पकौड़े बनाइए और इन्जॉय करिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुरकुरे और पालक के बॉल्स बनाना। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये मुरमुरे लेंगे। इस कटोरी से नाप कर एक कटोरी हमने मुरमुरे ले लिए हैं और इसको आधी कटोरी से भिगो देते हैं, यानी कि सोख होने देते हैं। तो इतना ही पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए। आधा कटोरी से भी कम पानी इसमें लगा है। अब इसको सोख होने देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। पालक की एक गड्डी ले ली है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी एक गड्डी ले ली है। उसमें से ये पत्ते हमने निकाल लिए हैं, तो इनको हमने धो तो लिया है। अब ये किनारे से जो ब्लैक है इसको भी साफ कर लेंगे और इसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग हो चुकी है। ये भी आधा बाउल पालक होगी, तो अब इसको अलग कर देते हैं। और ये मुरमुरे जो कि भीग चुके हैं, देखिए सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से, ये देखिए। अब इसमें हम ये पालक को शामिल कर देते हैं। एक आलू लेंगे, मीडियम साइज का आलू है, ये लाल वाले आलू हैं। इसको कद्दूकस कर लेंगे इसी में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने आलू भी कद्दूकस कर लिया है। अब इसे बेसन ऐड करेंगे, फिर बैठने के लिए हम इसे बेसन डालेंगे 2 से 3 चम्मच। मतलब देखेंगे, क्योंकि अब इससे पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी से वो करना है, फेंटना है इसको। तो इसमें 2 चम्मच, अभी हम फिलहाल 2 चम्मच बेसन डालते हैं और भीगने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें और ऐड करना है कि नहीं। तो 2 चम्मच बेसन हमने डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यानी 1/4 हमने हल्दी डाली है। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी चटपटी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ी सी हींग, यानी कि 2 पिंच हींग डालेंगे इसमें। दो बारीक हरी मिर्च होगी जो हमने कट कर लिए बारीक, उसको शामिल करेंगे। बच्ची अगर खा रहे हैं तो थोड़ा आप कम इसमें कड़वा कर सकते हैं। तो हरी मिर्च डाल दी। नमक का आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि पालक है तो थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मुरमुरे को जिस पानी में हमने भिगोया था तो उससे भी सॉफ्ट हो गया, और कुछ पालक और आलू का मॉइस्चर भी होगा। तो पहले देख लेते हैं कि इसे पानी और मिक्स तो नहीं करना है, तो इसको धीरे धीरे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए पेस्ट हमने बना लिया है। पेस्ट क्या बनाया है, ये बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये मुरमुरे का पानी था और पालक और आलू का, उसी के मॉइस्चर में मैंने ये बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रखते हैं। तब तक हम कढ़ाई में तेल डाल के चढ़ा देते हैं। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल गर्म होने लगा है। तब तक हमारा बेसन और पकौड़े का जो पेस्ट है वो अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि बारिश का टाइम है और पकौड़े तरह तरह के बनाकर खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये इवनिंग स्नैक्स हैं, तो हम बस तेल को गर्म होने का इंतज़ार करें और जलेली बनाएंगे, फिर चाय के साथ सर्व करेंगे। तो ये देखिए, बस इस टाइप से हम बाउल टाइप का बना लेंगे राउंड में, क्योंकि इसमें शेप बन रहा है। तो हल्का हल्का पानी लगा के आप इसको बाउल बना लें और फिर आप तेल में डालते जाएं। तो ये देखिए इस तरह से बन रहे हैं, और फ्लेम को हमने मीडियम टू स्लो कर दिया है, क्योंकि उसमें अगर हम तेज करेंगे
तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे ये हमारे स्टैक्स, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं क्योंकि ये अंदर से हो गए हैं अच्छे से। बस इसी कंडीशन में हमको बाहर इनको निकालना है और दूसरे इसमें हमें फ्राई करने पकौड़े। तो ये देखिए भुरभुरे के बॉल्स तैयार हो चुके हैं, और ये इसको तोड़ के आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं, और ये इमली और गुड़ की चटनी है, इसके साथ आप इंजॉय करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।